कई दफ़ा मुझसे मेरे फ्रेंड्स ने भी पूछा और बाकियों ने भी कि तुम किस तरह से वीडियो शूट करती हो, तो कौन सा कैमरा शैमरा क्या हिसाब है। तो पहली बात तो यह है कि मेरे पास कोई कैमरा तो है नहीं, मोबाइल के साथ सिंपली करती हूँ और वो भी स्टैंड नहीं है मेरे पास, तो घर में जुगाड़ लगा लेती हूँ, थोड़ा सा बना लेती हूँ, तो वो आप लोगों को बताती हूँ क्या करती हूँ। चलें यही मेरा सेटअप है जी, बस यही चीज़ें जोड़ तोड़ करके ना इन्हीं के साथ मैं स्टैंड बना लेती हूँ। ये आयरन स्टैंड है जो मैं कमरे के अंदर जो वीडियोज़ शूट हो सकती हैं वो मैं इधर ही कर लेती हूँ, इधर रख के आयरन स्टैंड पे। तो बाकी जो है जो बाहर करनी होती हैं उनका भी बताती हूँ, पहले ये बताती हूँ ये क्या करती हूँ। ये बाल्टियाँ ही बस यूज़ करती हूँ, घर में हर बंदे के पास होती हैं, मेरे पास भी, वो कहते हैं ना नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो मेरे पास जब कुछ भी नहीं था तो जो नज़र आया उसी को बस जोड़ तोड़ करके तो बना लिया स्टैंड। और ये जो हैं जो हमने काम करवाया था किचन में, तो ये बच गई थी कुछ, इसकी जगह कोई भी लकड़ी वगैरह, ये लकड़ी की जैसे फट्टी शट्टी नहीं होती उसी तरह की है बिल्कुल, तो यही हम यूज़ करते हैं जी वीडियो बनाते हुए। चलो जोड़ के बताती हूँ क्या करती हूँ, ऐसे तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी जितने समझदार आप लोग हो। ये देखें जी, ये बन गया है मेरा स्टैंड, इसी पे मैं काम करती हूँ। और पीछे ईंट मैं इसलिए रखी हुई है क्योंकि मोबाइल आगे से गिर ना जाए, वैसे तो आपको पता गिर जाएगा, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि मुझे थोड़ा सा मोबाइल ऊंचा रखना पड़ता है, तो फिर क्या करती हूँ कि ये दूसरी जो बाल्टी है ना, बाल्टी होती है कई दफ़ा या कोई भी जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल हो वही इसके ऊपर रख देती हूँ ऐसे करके बस सस्ता सब हो गया ना जुगाड़, बन गया स्टैंड। ये मोबाइल में ना एक चीज़ अगर आपने चले कभी करना पड़ ही जाता है, तो ये ना जिस दिन मैंने केस रखा हुआ था ये, बस मेरे शेडो पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि वो लाइट की वजह से आ रहा है, तो इधर मैं मोबाइल रख के बताती हूँ आप लोगों को। ये जिधर मैंने केस रखा था ना बिल्कुल उसी की जगह पर मैंने रख दिया, कैमरा मैंने सेट कर लिया है, बस इतना सा काम। ओवरहेड स्टैंड बनाना कौन सा मुश्किल है, करना हो ना बंदे ने काम तो बंदे को आइडिया आ जाता है बस। और जब मैंने बाहर काम करना होता है तो मैं इस तरह कर लेती हूँ। ये टेबल मैंने एक स्पेशल रखा हुआ अपने लिए, तो ये टूट भी गया है हर से, चलें काम तो हो रहा है ना मेरा। बस ये देखें जिधर मैंने मोबाइल का केस रखा है, मोबाइल रखती हूँ सिंपली नीचे बैठ के काम कर लेती हूँ जो भी करना होता है, गमला वगैरह बनाना। अब तो मुझे एक ना नया तरीका भी मिल गया, ये जैसे देखिए मैंने इधर रखा है ना मोबाइल का केस, ये रखूँगी उसके बाद ये मैं एडजस्ट कर लेती हूँ जितना मुझे चाहिए होता है ना फोकस वगैरह करके, तो मोबाइल रखती हूँ और नीचे जितना काम के लिए ज़रूरत होती है फोकस वगैरह करने की उतना करके बस। अभी मैंने मोबाइल ना बिल्कुल ये देख लें इधर रखा हुआ था केस के पास, ये पाइप तो याद ही होगा आपको, इस पर भी मैंने है नहीं याद, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो आपने कर ही लें आज। तो ये ना ये मैंने इस पर भी एक प्लांटर बनाया था टॉवल को यूज़ करके, तो ये वाला वैसे ही पड़ा हुआ था, तो फिर मुझे ये सोच के पता चल गया चलो बार बार जो मैं टेबल उठा के बाहर लेके जाती हूँ अंदर लेके आती हूँ तो ये पाइप उठाना ना ज़रा ईजी हो जाता है, तो फिर मैं आजकल इसी पर ही कर लेती हूँ। काम करना हो ना तो तरीके बड़े मिल जाते हैं। तो चले बस आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।